नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज। आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं फिर से संधि के प्रश्न से जुड़ी हुई प्रश्नों की श्रृंखला ऑनलाइन टेस्ट लेकर। यह संधि से जुड़े हुए विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट का दूसरा भाग है। इसमें हमने 40 प्रश्न लिए हैं जिनकी संख्या 31 से 70 तक है। चूंकि ये एक ही सीरीज में है, संधि से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो अपने पहले पार्ट में हमने 1 से 30 तक के प्रश्न लिए थे, अब 31 से 75 70 तक के प्रश्न लिए हैं। ये श्रृंखला जब तक हमारी जारी रहेगी, क्रम संख्या हमारा इसी अनुसार बढ़ता जाएगा। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए आप हमारे साथ और दीजिए हमारे इन सवालों का उत्तर, और आप अपने कॉपी में इसका उत्तर नोट करते जाइएगा। हम आखिर में चेक करेंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो तैयार हैं आप? ले लिया आपने कॉपी पेन? बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ऑनलाइन टेस्ट, संधि से जुड़ा हुआ इसका भाग दो, जिसमें 31 से लेके 70 तक के प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यह जो यद्यपि शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है अयादि संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि, चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो बताइए कि यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? नोट कर लीजिए आप इसका आंसर अपनी कॉपी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें बताना है आपको कि उसमें किसमें स्वर संधि है। पहला ऑप्शन है अधोसुख, दूसरा ऑप्शन है सज्जन, तीसरा ऑप्शन है वाग्जाल और चौथा ऑप्शन है महोदधि। तो बताइए कि इन चारों में से किसमें स्वर संधि है? आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। आखिर में हम चेक करेंगे कि आपके इन 40 में से कितने सवाल सही हुए हैं। नेक्स्ट, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है पव जोड़ इत्र, दूसरा ऑप्शन है पवह जोड़ इत्र, तीसरा ऑप्शन है पौ जोड़ इत्र और चौथा ऑप्शन है पो जोड़ इत्र। तो बताइए इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है पवित्र का। नेक्स्ट, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है मनोह प्लस योग, दूसरा है मनह प्लस योग, तीसरा है मनह प्लस आयोग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मनोयोग का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्येक शब्द का पहला ऑप्शन है प्रति जोड़ एक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिह जोड़ एक, तीसरा ऑप्शन है प्रति जोड़ अक और चौथा ऑप्शन है प्रति जोड़ एक। तो बताइए इनमें कौन सा सही ऑप्शन है? ये नोट करते जाइएगा क्योंकि ये हमें चेक करना है कि आपने कितना सीखा है संधि को। नेक्स्ट, गिरीश का सही संधि विच्छेद है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है गिरी प्लस ईस, दूसरा ऑप्शन है गिरी प्लस ईस और तीसरा ऑप्शन है गिर प्लस ईस, चौथा ऑप्शन है गिर प्लस ईश। तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है, कौन सा सही संधि विच्छेद है गिरीश शब्द का। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जितने भी सवाल हमने सेलेक्ट किए हैं, हमने आपको यहां शो नहीं किया है कि ये कौन से एग्जाम में आए हैं, लेकिन ये किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। तो यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि ये नॉर्मल सवाल हैं, ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, नायक शब्द में जो प्रयुक्त हुई है संधि वह कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि,
दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है अयादि संधि। तो बताइए। नेक्स्ट, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो बताइए कि चंद्रोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यशोदा में, यशोदा शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, इसमें से संधि की दृष्टि से कोई एक शब्द है जो अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है तथैव, दूसरा ऑप्शन है तथापि, तीसरा ऑप्शन है तदाकार और चौथा ऑप्शन है तदोपरांत। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, नोट करते जाइए आप। नेक्स्ट, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है गुण, दूसरा ऑप्शन है अयादि, तीसरा ऑप्शन है यण, चौथा ऑप्शन है दीर्घ। तो बताइए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी हम इसे नहीं बताएंगे, अभी तो हमें लास्ट में चेक करना है। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। तो बताइए स्वर संधि के कितने भेद हैं, आपने स्वर संधि पढ़ा है। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से बताइए कि स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वागीश, दूसरा ऑप्शन है दिगंबर, तीसरा ऑप्शन है रत्नाकर, चौथा ऑप्शन है दुष्कर्म। तो इन चारों में से बताइए स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए यह जो व्यर्थ शब्द है इसमें किन वर्णों की संधि हुई है, वर्ण विच्छेद करके देख लीजिए किन वर्णों की संधि हुई है। पहला ऑप्शन है ई प्लस अ, दूसरा ऑप्शन है ई प्लस उ, तीसरा ऑप्शन है ई प्लस ए, चौथा ऑप्शन है ई प्लस अ। तो इन चारों में से किन वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ शब्द में। नेक्स्ट, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ शब्द इसका सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है घुड़ प्लस दौड़, दूसरा ऑप्शन है घोड़ प्लस दौड़, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा प्लस दौड़, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है, महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है महो प्लस दय, दूसरा ऑप्शन है महा प्लस उदय, तीसरा ऑप्शन है महान प्लस उदय, चौथा ऑप्शन है महा प्लस उदय। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही संधि विच्छेद है महोदय शब्द का। नेक्स्ट, तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है तन जोड़मय, दूसरा ऑप्शन है तम प्लस अय, तीसरा ऑप्शन है तत् प्लस मय और चौथा ऑप्शन है तन प्लस अमय। तो बताइए कि तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत् प्लस धरण, दूसरा ऑप्शन है उत् प्लस अण,
तीसरा ऑप्शन है उद प्लस हरण, चौथा ऑप्शन है उद्ध प्लस रण। तो बताइए उद्धरण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है तेज प्लस ओमय, दूसरा ऑप्शन है तेजह प्लस अमय, तीसरा ऑप्शन है तेजह प्लस मय, और चौथा ऑप्शन है तेजो प्लस मय। तो बताइए इन चारों में से कौन सा तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? नेक्स्ट, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश, राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है राके प्लस श, दूसरा ऑप्शन है राक प्लस ईश, तीसरा ऑप्शन है राका प्लस ईश, चौथा ऑप्शन है राका प्लस ईश। तो बताइए कि इसमें से राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नोट कर लिया आपने? बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, निरोग शब्द में प्रयुक्त कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि प्रयोग में आया है? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निरोग में कौन सी संधि है? नेक्स्ट, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, निर्जन इस शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि निर्जन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? वातानुकूल इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है वात प्लस अनुकूल, दूसरा ऑप्शन है वात प्लस अनुकूल, तीसरा ऑप्शन है वाता प्लस अनुकूल, और चौथा ऑप्शन है वाता प्लस अनुकूल। ये चार ऑप्शन है। यहां अनुकूल में ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा पर भी ध्यान दीजिएगा, और बताइए कि इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है वातानुकूल का। नेक्स्ट, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, सॉरी, पहला ऑप्शन है ब्रह्म प्लस अस्त्र, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म, सॉरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म प्लस अस्त्र, और चौथा ऑप्शन है ब्रह्म प्लस अस्त्र। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है ये बताइए आप, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? नेक्स्ट, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है उच्च प्लस श्वास, दूसरा ऑप्शन है उद प्लस श्वास, तीसरा ऑप्शन है उद प्लस श्वास, चौथा ऑप्शन है उच्च प्लस श्वास। तो बताइए कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? नेक्स्ट, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्र प्लस त्युत्तर, दूसरा ऑप्शन है प्रति प्लस उत्तर, तीसरा ऑप्शन है प्रति प्लस युत्तर, और चौथा ऑप्शन है प्रत्यु प्लस उत्तर। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सही पहचाना है आपने। नेक्स्ट, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, नमस्ते जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है नम प्लस ते, नम प्लस ते, दूसरा ऑप्शन है नम प्लस स्ते, तीसरा ऑप्शन है नमः प्लस स्ते, और चौथा है नमः प्लस ते। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट, संतोष का सही संधि विच्छेद है, संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है सम प्लस तोष,
दूसरा ऑप्शन है सम प्लस तोष, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है सह प्लस तोष, और तीसरा ऑप्शन है सन प्लस तोष। तो बताइए संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। नेक्स्ट, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है उत प्लस जबल, दूसरा ऑप्शन है उत प्लस ज्वल, तीसरा ऑप्शन है उत प्लस जल, और चौथा ऑप्शन है उत प्लस ज्वल। तो बताइए उज्ज्वल का कौन सा सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है विश्व प्लस मित्र, दूसरा ऑप्शन है विश्वा प्लस मित्र, तीसरा है विश्व प्लस मित्र, और चौथा है विश्व प्लस अमित्र। तो बताइए विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। नेक्स्ट, संगम का सही संधि विच्छेद है, संगम शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है सम प्लस गम, दूसरा ऑप्शन है सम प्लस गम, तीसरा ऑप्शन है संग प्लस गम, चौथा ऑप्शन है सन प्लस गम। तो बताइए संगम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अगला प्रश्न, स्वागतम, स्वागतम में जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका नाम क्या है, स्वागतम में जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है यण संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, चौथा ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो बताइए कि स्वागतम में कौन से संधि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट, भानुदय, भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, भानुदय शब्द में जो संधि है वह कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है गुण संधि, चौथा ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो बताइए कि भानुदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सूर्योदय शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन है यण संधि, चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो बताइए सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, हरिश्चंद्र शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है उसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। नेक्स्ट, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, उच्चारण शब्द में जो संधि प्रयुक्त हुई है वह कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उच्चारण शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नोट करते जाइए इसे। नेक्स्ट, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है उल प्लस लेख, दूसरा ऑप्शन है उत प्लस लेख, तीसरा ऑप्शन है उल प्लस लेख, और चौथा ऑप्शन है ऊ प्लस आलेख। तो बताइए इस उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। शब्द है हमारा अत्याचार, पहला ऑप्शन है अत्य प्लस आचार, दूसरा ऑप्शन है अति प्लस चार, तीसरा ऑप्शन है अत्या प्लस चार, और चौथा ऑप्शन है अति प्लस आचार। तो बताइए कि ये अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। नेक्स्ट, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है दिग प्लस अंबर, दूसरा ऑप्शन है दिक प्लस अंबर, तीसरा ऑप्शन है दिग प्लस अंबर, और चौथा ऑप्शन है दिक
प्लस अंबर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उड्डयनम, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है उत प्लस डयनम, दूसरा ऑप्शन है उड प्लस डयनम, तीसरा ऑप्शन है उद प्लस डयनम और चौथा ऑप्शन है उड प्लस डयनम। तो बताइए कि इसमें से उड्डयनम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये उड्डयनम शब्द में जो हल लगा हुआ है ये हल नहीं होगा। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, चलिए बताइए आप। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने इन 40 प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। तो अब बारी है हमारी आंसर को चेक करने की। तो चलिए हम चेक करते हैं अपना आंसर। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 70 तक के 40 प्रश्नों का आंसर चेक करते हैं हम। चलिए तैयार हो जाइए मिलाने को आंसर। मिलाइए आंसर, 31 का सी, 32 का डी, 33 का डी, 34 का बी, 35 का ए, 36 का बी, 37 का डी, 38 का बी, 39 का सी, 40 का सी, 41 का सी, 42 का सी, 43 का सी, 44 का ए, 45 का सी, 46 का डी, 47 का सी, 48 का सी, 49 का सी, 50 का डी, 51 का सी, 52 का सी, 53 का ए, 54 का ए, 55 का बी, 56 का बी, 57 का डी, 58 का ए, 59 का बी, 60 का डी, 61 का बी, 62 का ए, 63 का बी, 64 का ए, 65 का सी, 66 का सी, 67 का बी, 68 का बी, सॉरी 68 का डी, 68 का डी, 69 का बी, 70 का ए। बिल्कुल सही, आपने 40 सवाल के आंसर दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कितने सही उत्तर हुए इन 40 प्रश्नों में। अगर झिझक के साथ चलते आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह का कमेंट करके आप हमें इंडिकेशन ये जरूर दीजिएगा कि हमारे ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ हमने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में चेंज किया है। पहले आपको प्रश्न दे रहे हैं, वहां पे हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका उत्तर हम अंत में बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं हम, ताकि आपकी तैयारी की जो धार है वो और ज्यादा पैनी हो सके। इसलिए हमने इन क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया है। इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमने जब संधि के 3 टॉपिक लिए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनका बहुत ही विस्तार से हमने अध्ययन किया है। तो उम्मीद है कि आपने इसमें से अधिकतर सवालों के जवाब सही दिए होंगे। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से जिसका नाम है प्रणव क्लासेज। धन्यवाद, नमस्कार।